गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। आर्यन खान ड्रग्स केस के एनसीबी के गवाह किरण गोस्वामी को पकड़ लिया गया है। पुणे पुलिस के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस ने क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह किरण गोस्वामी को हिरासत में लिया है। पुणे पुलिस का कहना है कि गोस्वामी से धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ की जा रही है। 2018 के धोखाधड़ी मामले में पुणे पुलिस के जरिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के बाद से फरार गोस्वामी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में उसकी जान को खतरा है। दरअसल किरण गोस्वामी को 2018 में धोखाधड़ी के एक मामले में हिरासत में लिया गया, जिसमें वे फरार था। 2018 में पुणे सिटी पुलिस ने उसे वॉन्टेड घोषित किया, तब से वह लापता था और उसे केवल एनसीबी गवाह के रूप में क्रूज रेड के दौरान देखा गया। 14 अक्टूबर को पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इस बीच एनसीबी गवाह किरण गोस्वामी ने गुहार लगाई कि कम से कम एक मंत्री या महाराष्ट्र विपक्ष का कोई भी नेता मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। कम से कम उन्हें मुंबई पुलिस से अनुरोध करना चाहिए कि मैं क्या मांग कर रहा हूँ। एक बार उनकी रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। दरअसल किरण गोस्वामी वही है जो आर्यन खान के साथ सेल्फी लेते दिखा था। हालांकि इस मामले में उसने पहले कहा था कि वह लखनऊ में आत्मसमर्पण करेगा। गोस्वामी के कथित ड्राइवर और बाउंसर प्रभाकर सेल ने दावा किया था कि आर्यन को छोड़ने के बदले एनसीबी के एक अधिकारी गोस्वामी और अन्य लोगों ने 25 करोड़ की मांग की थी। अब देखना होगा कि गोस्वामी पुलिस की पूछताछ में आर्यन खान केस से जुड़े मसलों पर क्या खुलासा करता है। न्यूज डेस्क, वी न्यूज़।